क्या आपको एडिटेक्स की इंपॉर्टेंस पता है? क्या आप जानते हैं कि आप H1 यूज करके अपनी रैंक कर सकते हैं वेबसाइट को? क्या आप जानते थे कि आप एडिटेक्स के टाइप्स कितने हैं? नहीं जानते तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि आज की वीडियो इन्हीं टॉपिक्स को कवर करने वाली है। हे वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविकांत, शुद्ध नॉलेज चैनल पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहने वाला है व्हाट इज एडिटेक्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस। फ्रेंड्स, आज हम क्या सीखने वाले हैं? व्हाट आर हेडर टैग्स, इंपॉर्टेंस ऑफ हेडर टैग्स, टाइप्स ऑफ हेडर टैग्स एंड यूजेस ऑफ हेडर टैग्स। नए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर हेडर टैग्स? हेडर टैग्स बेसिकली वो एचटीएमएल एलिमेंट्स हैं जो आपके वेब पेज पे आपकी हेडिंग और सब हेडिंग दोनों को स्पेसिफाई करती है। इसको आप सोर्स कोड में भी ढूंढ सकते हैं। हेडर टैग्स के कितने टाइप्स होते हैं? बेसिकली 6 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट H1, सेकंड H2, थर्ड H3, फोर्थ H4, फाइव H5, सिक्स H6। H1 ही होता सबसे बड़े फॉन्ट का, होता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है उसकी। सेकेंडरी होता है H2, इसकी उससे कम इंपॉर्टेंस होती है। उसके बाद H3, इसका फॉन्ट और भी छोटा होता है। H4, H5 और H6। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या होती है हेडर टैग्स की। देखिए, 80% जो पेज रिजल्ट्स होते हैं फर्स्ट पेज पे वो H1 यूज करते हैं। H1 हमेशा स्ट्रेटजिकली यूज किया जाता है। जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसे रेकमेंड करते हैं हमेशा यूज करने को। और हमारे हर सिंगल पेज पे H1 एक बार यूज करना चाहिए, बाकी हेडर टैग्स आप जैसे रिक्वायरमेंट है। 20 से 70 कैरेक्टर्स के बीच इसमें लेंथ होती है। हमेशा H1 आपके वेब पेज के टॉपिक को डिस्क्राइब करता है। कई सारे SEO मेटा टाइटल और H1 दोनों को सेम यूज करते हैं। एज अ स्ट्रेटजी आप मेन कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड दोनों को यूज कर सकते हैं H1 में। अब यूजेस ऑफ हेडर टैग्स। हेडर टैग की वजह से गूगल बहुत इजीली समझ लेते हैं हमारे मेन टॉपिक को। कई बार गूगल H1 टैग यूज करता है बजाय हमारे मेटा टाइटल को, इसलिए वेल रिटन मेटा टाइटल बहुत ही यूजफुल हो सकता है। ये एक मेजर रैंकिंग फैक्टर है। और हेडर हमेशा प्रायोरिटी सेट करता है। गूगल बोर्ड को ये बताता है कि H1 हमेशा प्रायोरिटी पे रहेगा, H2 सेकेंड प्रायोरिटी और बाकी उनसे लो प्रायोरिटी पे रहेंगे। कुछ लाइव एग्जाम्पल्स चेक करते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने कीवर्ड सर्च किया हाउ टू गेट रिड ऑफ कोरोना डिजीज। हमने एक वेबसाइट ओपन करी और आपसे रिक्वेस्ट करते, शुद्ध नॉलेज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप कोरोना डिजीज से बचे और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। तो सर, तो फ्रेंड्स, ये है हमारा हेडिंग। हमने इसे सोर्स कोड में चेक करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एज H1 यूज हुआ है। वापस आते वेबसाइट पे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने पे आप देख सकते हैं ये हमारा है सब हेडिंग, और सब हेडिंग को हमने कंट्रोल कॉपी करके कंट्रोल वी यानी पेस्ट करके चेक किया। मल्टीपल देखिए यहाँ पे 3 बार यूज हुआ है, तो हम एंटर एंटर करेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं H2, जी हाँ, H2 टैग यूज हुआ है जो कि बेसिकली सब हेडिंग में यूज किया जाता है। नेक्स्ट कीवर्ड हमने सर्च किया। नेक्स्ट हमारी क्वेरी थी लर्न गूगल ट्रिक्स, उससे रिलेटेड एक पेज आया। अब ये है हमारा पेज और उसका मेन कीवर्ड था गूगल सर्च टिप्स। ऑलमोस्ट सिनोनिम्स हमारे, हमने जो क्वेरी सर्च करी ये है हमारा, ये हमारी हेडिंग थी। अब 9 ऑप्शंस यानी कि मल्टीपल टाइम्स इसको यूज किया गया है पेज कोड में, एचटीएमएल कोड में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये H1 एज H1 भी ऑलरेडी इन्होंने यूज किया है, यानी कि जैसे अभी आपने चेक किया था इन्होंने वेल ऑप्टिमाइज कर रखा है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब हेडिंग्स आपको थोड़ी उससे थोड़ा छोटे मिल जाएगी। यहाँ पे मल्टीपल सब हेडिंग्स यूज किया है। जैसे कि आपको बताया जाता है कि एक पेज पे सिर्फ एक HTML यूज होता है
और सब हेडिंग्स आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। ट्रैवल पैकेज टू गोवा हमने सर्च किया और फिर एक वेबसाइट ओपन करते हैं, yatra.com भी आए। ये बैनर रेफरेंस, बैनर पे बहुत ही कम लोग H1 यूज करते हैं, ये आपको बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान रखिए। इसको हम चेक करते हैं, सोर्स कोड में जाकर हमने चेक किया, तो व्यू कंट्रोल सोर्स, कंट्रोल यू करके हमने कंट्रोल अभी फाइंड कर रहे हैं, कॉपी करके कंट्रोल वी, गोवा हॉलीडे करके। अभी मल्टीपल टाइम यूज हुआ है तो हम क्या करेंगे, एक नया तरीके से ढूंढेंगे। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट का ऑप्शन आता है बॉटम में, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब आपके राइट हैंड साइड पे एक पॉपअप ओपन हुआ होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए एज H2 इन्होंने यूज किया है। सब हेडिंग है ये हमारी, यानी कि हमारी हेडिंग कहाँ मिस हो रही है, आइए देखते हैं। हमारा कीवर्ड था ट्रैवल पैकेज टू गोवा, तो गोवा टूर पैकेज ऑलमोस्ट सिनोनिम्स है, तो ये हमारा हेडर हो सकता है। फॉन्ट उसमें बेशक छोटा कर देगा लेकिन इम्पोर्टेंस की अभी भी कम नहीं हुई है, तो हमने इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन से इसको भी चेक कर रहे हैं। अब ये देखिए H1 यूज किया है, यानी कि परफेक्टली ऑप्टिमाइज और एक बार ही किया जाता है H1 पर पेज पे। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपनी वेबसाइट पे, जिसको थोड़ा सा हम जूम कर लेंगे। इस वेबसाइट का अगर आपने थोड़ी बहुत भी SEO की नॉलेज आपको है तो इसका लिंक आप यूज कर सकते हैं। जूम करके थोड़ा सा और आपको क्लियर होगा कि हमारी खुद की वेबसाइट है, हमने कैसे यूज किया है हम आपको बताते हैं। इसको सेलेक्ट किया, इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं, हम चाहे तो कंट्रोल्स यू भी कर सकते हैं। अभी हमने कंट्रोल, हम ये इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन को हमने क्लिक किया और ये देखिए हमने इस पर्टिकुलर हमारे हेडर को एज H1 यूज किया है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करने पे आपको कुछ सब हेडिंग देखना स्टार्ट होगी। जी हाँ, ये है हमारी कीवर्ड रिसर्च टूल इज अ सब हेडिंग फॉर दिस पेज। अब हम इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन पे फिर से जाते हैं, इंस्पेक्ट करने पे हमको दिखा कि इस कीवर्ड को, इस पर्टिकुलर सब हेडिंग को हमने H2 का टैग दे रखा है। बिल्कुल, अब इसके नीचे आप देखिए ये जो आंसर द पब्लिक आपको दिख रहा है, ये सब हेडिंग है हमारा कीवर्ड रिसर्च टूल का सब हेडिंग है, यानी इसके अंडर में आ रहा है, क्योंकि आंसर द पब्लिक खुद में एक टूल है जो कि पार्ट है कीवर्ड रिसर्च टूल का। तो अब ये H2 नहीं होना चाहिए, और देख सकते हैं आप यहाँ पे हमने H3 दिया है इस टैग को, क्योंकि ये बेसिकली मेन पॉइंट नहीं है, ये सब पॉइंट का सब पॉइंट है। तो इस तरह से गूगल कीवर्ड प्लानर भी खुद में एक सब हेडिंग बोलते हैं, सब हेडिंग का सब हेडिंग है, तो इसे भी हमने H3 ही दे रखा है। स्ट्रैटेजिकली आप इसे मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो हमारी वेबसाइट को गो थ्रू करके ये सारी चीजें देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपका SEO नॉलेज भी काफी बढ़ा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आज की वीडियो कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए और हेडर टैग सीखने में आपको कितनी मदद मिली। इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट तुरंत करें, यानी अभी करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक पे, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।